हे गाइस, वेलकम बैक, वेलकम टू एमबाइब। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें हम आपको करवाने वाले हैं एनडीए में पूछे गए क्वेश्चंस, सीडीएस में पूछे गए क्वेश्चंस, एफकैट में पूछे गए क्वेश्चंस, सीएपीएफ में पूछे गए क्वेश्चंस। मतलब मोस्टली जो आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एनडीए के एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके सीडीएस एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ पर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको चीजें करवाते हैं। मतलब जितने भी हम आपको क्वेश्चंस करवा रहे हैं, ये सब हम आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करके करवा रहे हैं, क्योंकि जितने भी हम पॉइंट यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं, वहां से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितना भी हम यहाँ पर क्वेश्चंस करवा रहे हैं, इनको आप अच्छे से नोट करते हो चलिए, इनके सॉल्यूशंस को। अगर आप इन सभी क्लासेस की पीडीएफ चाहते हैं, तो आप हमारे एमबाइव अचीव डिफेंस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहां पर सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको क्लास में इतना टाइम नहीं मिलता है कि आप क्वेश्चंस को नोट कर पाए, है ना। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ सॉल्यूशन नोट करने हैं, और जितना हम आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताते हैं, वो पॉइंट आपको नोट करने हैं। ये इंपॉर्टेंट है, और जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो आपको ऑलरेडी पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे। और आपको पता है कि एनडीए की अगर हम बात करें, तो आपके 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, मतलब 60 नंबर आप इजिली गेन कर सकते हो जीएटी वाले सेक्शन में, यूपीएससी एनडीए में, ठीक है। याद रखना, केमिस्ट्री से आप 60 प्लस मार्क्स इजिली आप ला सकते हो। और अगर हम यहाँ पर बात करें सीडीएस में, तो वहां भी आपके 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और ये इजी कैलकुलेटिव है, मतलब आप इसको इजीली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बन एलोट्रोप इज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको यहाँ पर कुछ एलोट्रोप गिवेन है कार्बन के, और आपसे पूछा है कि इनमें से कौन गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। फर्स्ट स्टेटमेंट में डायमंड गिवेन है, सेकेंड स्टेटमेंट में ग्रेफाइट गिवेन है, और थर्ड स्टेटमेंट पे आपको फुलरीन गिवेन है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो आपको ये जो कुछ कोड दे रखे हैं, इसको देखकर आपको आंसर करना है कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा, बताइए यहाँ पर जल्दी से। तो यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट गिवन है, फर्स्ट स्टेटमेंट में डायमंड गिवन है, सेकंड स्टेटमेंट आपका ग्रेफाइट गिवन है, थर्ड स्टेटमेंट आपका फुलरीन गिवन है। तो आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। और ये तीनों एलोट्रोप है कार्बन के। हमने आपको एलोट्रोप के बारे में बताया था, जो कार्बन के एलोट्रोप होते हैं, कौन होते हैं कार्बन के एलोट्रोप, जो प्योर कार्बन से मिलकर बनते हैं, यानी ये प्योर कार्बन से मिलकर बने होते हैं, इसमें कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं पाया जाता है। तो हम अगर डायमंड की बात करें, जिसको हम हीरा कहते हैं, ये कार्बन का अपर रूप है, प्योर कार्बन से मिलकर बना है, कोई दूसरा एलिमेंट इसमें नहीं होता है। ग्रेफाइट की बात करें, ये भी कार्बन का अपर रूप है, यानी एलोट्रोप है कार्बन का, प्योर कार्बन से मिलकर बना है। ऐसे ही ग्रेफीन होता है, ग्रेफीन जिसको हम बोलते हैं, ये भी प्योर कार्बन से मिलकर बनता है। और ऐसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें किसकी, फुलरीन की, तो फुलरीन भी आपका इंपॉर्टेंट है, जो आपका अगर हम फुलरीन की बात करें, तो ये भी आपका क्या है, एलोट्रोप है कार्बन का। ये जितने भी कार्बन के एलोट्रोप है, ये प्योर कार्बन से मिलकर बनते हैं। अब इनमें से जो डायमंड है और जो ग्रेफीन है, फुलरीन है, ये सब नॉन कंडक्टर है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का चालन नहीं करते। लेकिन ग्रेफाइट की बात करें, बेसिकली हम डायमंड की बात करें, अगर हम डायमंड की बात करें तो ये बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इसमें ये, और ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है पूरी दुनिया का, सबसे कठोरतम पदार्थ ग्रेफाइट। और ये बैड कंडक्टर का मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, जो ग्रेफाइट है इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जो लोकलाइज्ड होते हैं ना, डीलोकलाइज्ड होते हैं। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में कोई कहीं कहीं डबल बॉन्ड भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपका सेकेंड स्टेटमेंट में जो गिवेन है ग्रेफाइट, ये आपका गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन डायमंड की बात करें, ये बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। फुलरीन की बात करें, ये बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, केवल सेकेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बस आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए एलोट्रोप की, है ना। कार्बन के जो एलोट्रोप है, इनकी प्रॉपर्टीज अगर आपको पता है, जैसे कि डायमंड, ग्रेफाइट, ग्रेफीन, फुलरीन, इन सबकी आपको थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज पता हो, तो आप इस क्वेश्चन को इजिली कर लेंगे। अब इसका हिंदी में आप देख सकते हैं, निम्नलिखित कार्बन अपर रूपों में से कौन सा या कौन से विद्युत के सुचालक होते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए में, यानी स्टेटमेंट ए में हीरा दे रखा है, बी में ग्रेफाइट दे रखा है, सी में फुलरीन दे रखा है। तो अभी हमने आपको समझाया कि यहाँ पे केवल 2 आंसर सही हो जाएगा, मतलब केवल सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट है, जो सी ऑप्शन में गिवन है, ये सही हो जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब इसको जरा पढ़ेंगे ये, क्योंकि लंबा क्वेश्चन है इंग्लिश में, इसको जरा ध्यान से पढ़ो, इसका हिंदी वर्जन भी आगे दे रखा है, ठीक है। यहां पर क्या दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर से रिलेटेड आपसे 3 स्टेटमेंट गिवेन है, और आपको पहचानना है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, ट्रू है, बताइए जल्दी से। तो एक एक करके इस क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे स्पीड में, सभी यहां पर जल्दी से स्पीड में रिप्लाई करेंगे, ठीक है।
स्पीड में सभी स्टूडेंट्स रिप्लाई करेंगे। चले तो यहां पे एक एक करके पढ़ लेते हैं, पहले एक एक करके हम यहां पर पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपका जो स्टेटमेंट गिवेन है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। क्या जो आपके नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, सॉरी यूनिवर्सल जो इंडिकेटर होते हैं, क्या वो सेवरल इंडिकेटर से मिलकर बने होते हैं? बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कई सारे इंडिकेटर से मिलकर आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर बनता है। इट शोज डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की अलग अलग जो कंसंट्रेशन है उसके लिए अलग अलग ये कलर शो करता है। बिल्कुल सही है। इट हेल्प टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ गिवन एसिड एंड बेस इन टाइट्रेशन। और ये भी पॉइंट याद रखना, ये एसिड और बेस की स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। एसिड और बेस की यहाँ पे एसिड और बेस की स्ट्रेंथ के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे बताइए क्या आंसर आ जाएगा। इट हेल्प टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ गिवन एसिड एंड बेस इन टाइट्रेशन। तो यहाँ पे आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट। चले ठीक है, वापस आते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए आप आंसर कर देंगे तीनों, यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर है ना, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर में ये तीनों जो स्टेटमेंट गिवेन है ये तीनों आपके एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। हिंदी वाले स्टूडेंट्स एक बार हिंदी में देख लें, ठीक है, हिंदी वाले हिंदी में देख लें। निम्नलिखित सार्वत्रिक सूचक के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यह विभिन्न सूचकों का मिश्रण है। बिल्कुल सही है। यह बिलियन में हाइड्रोजन आयनों की विभिन्न सांद्रताओं पर विभिन्न रंग दर्शाता है। बिल्कुल सही है। यह अनुमापन में दिए गए अम्ल और क्षार की प्रबलता के निर्धारण में सहायता करता है। ये बिल्कुल सही है, दैट इज डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा लेंदी बना के दे दिया। अब हम आपको थोड़ा सा इंडिकेटर के बारे में बता देते हैं, जो हमने लास्ट स्लाइड में आपको देखा है, बताया है। इंडिकेटर्स गाइस क्या होते हैं? अगर हम इंडिकेटर्स की बात करें, इंडिकेटर्स इनको हम सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं? सूचक। अब ये जो इंडिकेटर्स हैं ये कई दो तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करेंगे ये इंडिकेटर्स की, इनमें से एक होता है नेचुरल इंडिकेटर, एक होता है नेचुरल इंडिकेटर और एक होता है कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल इंडिकेटर, है ना। आर्टिफिशियल या सिंथेटिक बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल इंडिकेटर। ठीक है, अब जो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं इसमें आपकी हल्दी आ जाती है, प्याज आ जाता है ना, जो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट आ जाती है लिटमस पेपर। क्या आ जाता है? लिटमस पेपर। ये सब नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। अब आप कहोगे सर इंडिकेटर्स हैं क्या? ये एसिड और बेस को बताते हैं कि किसी सॉल्यूशन में एसिड है या बेस है, उसकी प्रेजेंस को ये बता देते हैं। एसिड और बेस के बारे में बता देते हैं कौन? इंडिकेटर्स। ठीक है, और ये दो कई टाइप के होते हैं। एक होता है नेचुरल इंडिकेटर्स जो नेचुरली प्राप्त होते हैं, और एक होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर, कृत्रिम इंडिकेटर या आर्टिफिशियल इंडिकेटर जिनको बनाया जाता है स्पेशली एसिड और बेस के बारे में पता करने के लिए, और एक होते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में गिवेन है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द अर्थ क्रस्ट। पृथ्वी की क्रस्ट पर कार्बन की अप्रोक्सीमेट कितनी परसेंटेज पाई जाती है? यहाँ पर आपका गिवेन है ए ऑप्शन में 0.045%, ऑप्शन बी में गिवेन है 0.025%, ऑप्शन सी में गिवेन है 0.015% एंड ऑप्शन डी में गिवेन है 0.005%। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है भूपर्पटी में कार्बन का अनुमानित प्रतिशत कितना है, अनुमानित प्रतिशत कितना है बताइए यहाँ पर। तो यहाँ पे जल्दी से इस क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे। हमारे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक टेबल गिवेन है, यहाँ पर ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी होती है अर्थ की क्रस्ट पर। ऑक्सीजन की परसेंटेज 46.6% है ना। हमारे पृथ्वी की क्रस्ट पर जो ऑक्सीजन है वो सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, 46.6% पृथ्वी की क्रस्ट पर ऑक्सीजन पाई जाती है। और उसके बाद में सेकेंड नंबर पर सिलिकॉन होती है, सिलिकॉन के करीब 28% के आसपास पाई जाती है सिलिकॉन। और एल्युमिनियम की बात करें तीसरे नंबर पे एल्युमिनियम धातु है जो कि करीब 8% यानी 8% के आसपास पाई जाती है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे इसके बाद आयरन की बात करें ये करीब 5% पाई जाती है हमारे भूपर्पटी पर यानी पृथ्वी की क्रस्ट पर। और इसके बाद में कैल्शियम है 3.6%, उसके बाद में सोडियम है आपकी, सोडियम की अगर हम बात करें 2.8%, फिर पोटेशियम है, फिर मैग्नीशियम है। मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो आपको मेटल्स दिख रही हैं जैसे ऑक्सीजन हो गई, सिलिकॉन हो गई, एल्युमिनियम हो गई, है ना। ऑक्सीजन तो एक एलिमेंट है, ये नॉन मेटल है। सिलिकॉन एक अर्धचालक है जिसको हम क्या बोलेंगे, मेटलॉइड बोलेंगे या फिर सेमीकंडक्टर बोलेंगे। और एलॉय क्या है यहाँ पर, एल्युमिनियम यहाँ पर क्या है, एल्युमिनियम यहाँ पे मेटल्स है, है ना, एल्युमिनियम यहाँ पर मेटल है। हम यहाँ पे दो तीन टाइप के क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। पहले तो आप ये याद रखो कि जो ऑक्सीजन की यहाँ पर जो कार्बन की परसेंटेज है अर्थ की क्रस्ट पर वो 0.025% पाई जाती है। ठीक है, बहुत ही कम मात्रा में कार्बन पाया जाता है, बहुत ही कम मात्रा में।
और ये कार्बन हर मटेरियल में मिलेगा आपको, जितनी भी लिविंग थिंग्स है ना, चाहे आप पेड़ पौधों की बात करो, जीव जंतु की बात करो, जो लिविंग थिंग्स हैं उसमें हर जगह कार्बन पाया जाता है, लेकिन बिल्कुल कम कम मात्रा में पाया जाता है। तो अर्थ की क्रस्ट पर ये 0.05% है। अब हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा अर्थ की क्रस्ट पर कौन सा एलिमेंट पाया जाता है या फिर कौन सी नॉन मेटल पाया जाता है, तो आप हमेशा याद रखना ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की करीब 47% की या 46 से 47% अर्थ की क्रस्ट पे ऑक्सीजन मिलेगी आपको। और इसके नंबर पे सेकेंड नंबर पे आती है कि सबसे ज्यादा सेकेंड नंबर पे कौन सी एलिमेंट पाई जाती है, तो वो है सिलिकन। और अगर आपसे ये पूछा जाए सबसे ज्यादा मेटलॉइड या सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर कौन सी अर्थ की क्रस्ट पर पाई जाती है, तो आपका आंसर सिलिकन हो जाएगा, क्योंकि ये मेटलॉइड है, अर्ध धातु है, इसे हम उपधातु भी कहते हैं, और ये करीब 28% होती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि तीसरे नंबर पे पाई जाने वाली सबसे ज्यादा मेटल या तीसरे नंबर पे पाई जाने वाली एलिमेंट या तत्व सबसे ज्यादा कौन सी है, तो आप एल्यूमिनियम बोलेंगे। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा अर्थ की क्रस्ट पर धातु कौन सी पाई जाती है, तो एल्यूमिनियम बोलेंगे, क्योंकि ये एक मेटल है, ये क्या है, मेटल है, और ये करीब 8% आपकी पाई जाती है पृथ्वी की क्रस्ट पर, अर्थ की क्रस्ट पर। और इसके बाद में लोहा पाया जाता है, लोहे की बात करें तो ये करीब 5% पृथ्वी की क्रस्ट पर पाया जाता है। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि सेकेंड नंबर पे सबसे ज्यादा मेटल कौन सी मिलेगी पृथ्वी की क्रस्ट पर, तो वो लोहा धातु है। और फर्स्ट नंबर पे सबसे ज्यादा कौन सी धातु होती है, एल्यूमिनियम धातु है। और अगर आप सिर्फ सिर्फ ये पूछा जाए कि एलिमेंट कौन सा सबसे ज्यादा पाया जाता, तो ऑक्सीजन, और सेकेंड नंबर पे एलिमेंट कौन सा है, सिलिकन। और ये पूछा जाए कि यानी अर्धचालक या मेटलॉइड या फिर सेमीकंडक्टर या सबसे ज्यादा कौन है, तो वो सिलिकन है। और अगर सबसे ज्यादा मेटल पूछा जाए तो एल्यूमिनियम है, सेकेंड नंबर पे मेटल कौन है, तो आयरन है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन का टाइप देखना पड़ेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। नेक्स्ट है हमारी स्क्रीन पर, व्हेन कॉपर रिएक्ट विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इट फॉर्म्स ए ग्रीन कोटिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, बताइए। यहाँ पे अगर हम बात करें, जल्दी से यहाँ पे जल्दी से आंसर करेंगे, व्हेन कॉपर रिएक्ट विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, जो कॉपर है ना, कॉपर जब मॉइस्चर से रिएक्ट करती है, जैसे मॉइस्चर में क्या होता है, वाटर होता है, और क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, और ये हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है उससे भी रिएक्ट कर जाए, तो ये पता क्या बना देता है, ये बना देता है कॉपर का हाइड्रोक्साइड यानी COOH का होल ट्वाइस, और ये बना देता है क्यूप्रिक ऑक्साइड यानी CuCO3। ये जो कॉम्बिनेशन है ये ग्रीन कोटिंग हो जाती है, ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर, या फिर आप सिंपल क्यूप्रिक ऑक्साइड को भी बोल सकते हो, क्यूप्रिक कार्बोनेट को भी बोल सकते हो, CuCO3 क्यूप्रिक कार्बोनेट है ना। तो अब यहां पर देखिए ध्यान से मैं क्या क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। जो आपने कॉपर देखा है ना, कॉपर इसे हम बोलते हैं तांबा, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉपर को बोलते हैं तांबा। तांबे की आपने मूर्ति देखी, तांबे के आपने तार देखे होंगे, तांबे के आपने स्टैचू देखे होंगे, तो तांबे के जो स्टैचू हो या तांबे की कोई भी चीज हो, अगर उसको आपने मॉइस्चर में रख दिया, नमी में रख दिया, तो उस पर ग्रीन कलर की कोटिंग चढ़ जाती है, वो हरा हरा हो जाता है, वो ग्रीन कलर का हो जाता है, ये बात समझ आ रही है। तो वो जो ग्रीन कलर की कोटिंग है वो है क्या चीज, तो अगर आपने कॉपर को कहाँ रखा, कॉपर को आपने नमी में रख दिया, मान लीजिए कोई कॉपर की मूर्ति है और वो हवा में रखी हुई है और उस पर पानी भी गिर रहा है, तो वो जो कॉपर होगा वो पानी से रिएक्ट कर जाएगा, हवा में ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा, और हवा में कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर जाएगा, इन सब से रिएक्ट करके ना ये बना देगा कॉपर का हाइड्रोक्साइड, क्या बना देगा, कॉपर का हाइड्रोक्साइड, और प्लस क्या बना देगा, कॉपर का कार्बोनेट बना देगा। और ये जो कॉपर का कार्बोनेट है इसको हम क्यूप्रिक कार्बोनेट कहते हैं, और ये इसी की वजह से ग्रीन कोटिंग हो जाती है, मतलब जो कॉपर है वो ग्रीन कलर का हो जाता है, हरे हरे कलर का हो जाता है। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे याद रखना, व्हेन कॉपर रिएक्ट विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, एयर का मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन, इट फॉर्म्स ए ग्रीन कोटिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, तो वो क्यूप्रिक कार्बोनेट की ग्रीन कोटिंग होती है। या फिर अगर आपसे यहाँ पर गिविन होता ना क्यूप्रिक कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड, इन दोनों की क्या होती है, कॉम्बिनेशन होती है, ये बात आपको समझ आ गई, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं, हिंदी वाले स्टूडेंट्स एक बार हिंदी में देख लें, जब ताम्र, ताम्र का मतलब होता है तांबा, जब ताम्र वायु में अर्ध कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ
कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ अभिक्रिया करता है, तब वह अभिक्रिया में से किस यौगिक का हरित विलेपन, हरित मतलब हरी कोटिंग, है ना, किसकी कोटिंग बन जाती है, क्यूप्रिक कार्बोनेट के, क्यूप्रिक कार्बोनेट के। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस दैट कन्वर्ट सल्फाइड ओर इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रॉन्गली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। ये क्वेश्चन है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में पूछा गया था, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, छोटा सा टॉपिक है एनसीईआरटी में, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर में लास्ट में आपको मिलेगा, मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर में लास्ट में आपको एक टॉपिक मिलेगा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी धातुओं का निष्कर्षण। क्या धातुओं का निष्कर्षण? तो धातुओं के निष्कर्षण में क्या होता है कि अगर हम ऑक्साइड जो ओर होती है ना, ओर, उसे हम धातुओं को निष्कासित करते हैं, मतलब धातुओं को निकालते हैं ना, धातुओं को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मेटल्स को हम अलग अलग, जो पत्थर होते हैं, जो ओर्स होते हैं, जो अयस्क होते हैं, उनमें से हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं बहुत सारे प्रोसेस के द्वारा। तो इनमें से होता क्या है, बहुत सारी सल्फाइड ओर होती हैं, सल्फाइड के रूप में अयस्क होते हैं ना, जैसे लेड सल्फाइड है ना, जिसे हम गैलेना बोलते हैं, जो लेड सल्फाइड है, ऐसे बहुत सारी सल्फाइड की अयस्क होती हैं। तो जो सल्फाइड की अयस्क हैं, इनको जब गर्म किया जाता है एक्सेस अमाउंट ऑफ, यहाँ पर क्या लिखे ना, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस दैट कन्वर्ट सल्फाइड ओर इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रॉन्गली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। एक्सेस एयर का मतलब है बहुत सारी अमाउंट में ऑक्सीजन के साथ जब हम रिएक्ट करवाते हैं, मतलब ऑक्सीजन के साथ, बहुत सारी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम सल्फाइड ओर को गर्म करते हैं स्ट्रॉन्गली, तो ये जो सल्फाइड ओर है ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें कन्वर्ट हो जाती है? ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। फिर इस ऑक्साइड से हम रिडक्शन करवा देते हैं। क्या करवाते हैं? रिडक्शन, मतलब रिडक्शन करवाना आसान होता है। रिडक्शन का मतलब है ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को रिमूव करवा लेना, तो हमें क्या मिल जाती है? मेटल मिल जाती है। तो इस प्रोसेस को हम रोस्टिंग कहते हैं, यानी हिंदी में इसको भर्जन कहा जाता है। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? भर्जन कहा जाता है, रोस्टिंग कहा जाता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, नोट कर लीजिए इसको। हिंदी वाले स्टूडेंट्स एक बार हिंदी में देख लें, अतिरिक्त वायु, अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में प्रबल तापन द्वारा सल्फाइड अयस्कों को ऑक्साइडों में रूपांतरित करने की प्रक्रिया का नाम है भर्जन। ठीक है, बात समझ आ गई। अतिरिक्त का मतलब बहुत सारी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जब हम बहुत सारी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सल्फाइड ओर को हीट करते हैं स्ट्रॉन्गली, तो वो जो सल्फाइड ओर है वो ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो जाती है। फिर इसी प्रोसेस को हम रोस्टिंग कहते हैं, और जब ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो जाती है तो उससे हम रिडक्शन करवा देते हैं उसका। रिडक्शन करवाने के बाद हमें मेटल मिल जाती है, जिस मेटल की हम जिस मेटल को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। बात क्लियर है? फिर जब हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं ना, उसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं, बहुत सारी इंप्योरिटीज होती हैं, उनको हम रिफाइन करते हैं, वो एक अलग प्रोसेस है, रिफाइनरी प्रोसेस। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूं कि अगर हमारे पास कोई सल्फाइड ओर है, सल्फाइड ओर है, सल्फाइड के रूप में अयस्क है, ठीक है, इसको जब आप बहुत सारी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में स्ट्रॉन्गली हीट करते हो, स्ट्रॉन्गली हीट करते हो, तो ये ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो जाएगी, ऑक्साइड ओर में। अब ऑक्साइड ओर में ऑक्सीजन होगी, फिर हम इसका कार्बन का यूज करके, कार्बन एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, हम इसका यूज करके इसमें से ऑक्सीजन रिमूव कर देंगे, मतलब इसका हम रिडक्शन करवा देंगे, अपचयन करवा देंगे। रिडक्शन करवाने के बाद हमें मेटल मिल जाएगी, लेकिन ये मेटल इम्प्योर होती है, इसकी बाद में रिफाइनिंग की जाती है, तो इसे बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, धातुओं का निष्कर्षण। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं सल्फाइड ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करना इन द प्रेजेंस ऑफ लॉट ऑफ ऑक्सीजन, तो उसको हम बोलते हैं रोस्टिंग। ठीक है, चलिए, तो ये प्रोसेस हमें याद रखना है सभी स्टूडेंट्स। यहां पर आपकी देखो, यहां पर गिवन है, जरा ध्यान से देखो, ये रोस्टिंग प्रोसेस गिवन है। यहां पे ये क्या है, कॉपर का सल्फाइड अयस्क है, कॉपर के रूप में, यानी कॉपर सल्फाइड है ना, तो ये कॉपर का अयस्क है सल्फाइड के फॉर्म में, तो ये बहुत सारी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने इसको क्या किया, बहुत सारी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको बहुत स्ट्रांगली हीट करवाया। जब हमने इसको स्ट्रांगली हीट करवाया, तो जो कॉपर सल्फाइड था वो कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, कॉपर सल्फाइड में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया, और ये सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस थी ये बाहर निकल गई, उड़ गई। अब उसके बाद में ये जो ऑक्साइड के फॉर्म में और या ऑक्साइड के फॉर्म में जो कंपाउंड आया, इसका हम रिडक्शन करवा देंगे, मतलब इसमें से ऑक्सीजन को इजिली रिमूव किया जा सकता है, फिर आपको कॉपर मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? कॉपर। क्लियर हो गया? इस प्रोसेस को हम रोस्टिंग कहते हैं, भर्जन हिंदी में कहा जाता है। चलिए, एक क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सोल्डर एलॉय।
सोल्डर अलॉय के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? सोल्डर अलॉय आप लोग जानते हैं जिसको सोल्डरिंग की जाती है, सोल्डरिंग इन द सेंस कि जो हमारे पास जो सर्किट्स होते हैं, सर्किट्स में जो कंपोनेंट होते हैं उनको जोड़ने के लिए हम सोल्डरिंग करते हैं। इसमें एक बहुत ही शानदार मुलायम वायर होता है जिसको हम सोल्डर कहते हैं, ठीक है। सोल्डर ये बहुत ही सिंपल वायर होता है, मुलायम वायर होता है। आप जाना कभी भी टीवी मैकेनिक की दुकान पे, वहां पे लिपटा हुआ मिलेगा ये, ठीक है। तो ये जो वायर है इसे सोल्डर कहते हैं, और इसको पिघलाकर हम चीजों को, मतलब जो पिघलाकर कंपोनेंट को जोड़ा जाता है। तो ये लेड और टिन के मिलकर बनता है, लेड और टिन से मिलकर बनता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, लेड और टिन से। और ये दो तीन बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ मेटल रिएक्टिंग विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को से रिएक्ट करने के लिए यहाँ पे सही मेटल्स का ऑर्डर क्या है बताइए यहाँ पर, यानी रिएक्टिविटी सीरीज से ही वाला क्वेश्चन पूछा है। एक बार ट्राई करेंगे फिर हम इसको बढ़िया तरीके से इसको याद करवाते हैं, ठीक है। जल्दी से नोट करेंगे, इस क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे, क्या आंसर होगा। मैग्नीशियम गिवन है, एल्यूमिनियम गिवन है, जिंक गिवन है, आयरन गिवन है। इसमें पहचानना है कि सही ऑर्डर क्या होगा रिएक्टिविटी सीरीज का, सही ऑर्डर क्या होगा रिएक्टिविटी सीरीज का, ठीक है। बहुत अच्छे, तो इसको हमने ऐसे याद करवाया था, काशीनाथ का मालिक, काशीनाथ का माली आलू जरा पी के पकाता है, कौन है आगे आओ, ठीक है। तो ये याद रखना, तो यहाँ पे अगर रिएक्टिविटी सीरीज में देखें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मैग्नीशियम है, उसके बाद में एल्यूमिनियम है, उसके बाद में जिंक है, उसके बाद में आयरन है, समझ। यानी जो ऊपर वाली एलिमेंट्स हैं वो मोर रिएक्टिव है नीचे वाले से, ऊपर वाली मोर रिएक्टिव है नीचे वाले से। तो जैसे जैसे नीचे आओगे रिएक्टिविटी घटती जाएगी, जैसे जैसे ऊपर जाओगे रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ऑर्डर एकदम परफेक्ट आपको दिख रहा है, मैग्नीशियम की सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी है, फिर एल्यूमिनियम की, फिर जिंक की, फिर उसके बाद में आयरन की। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, इसको जल्दी से नोट कर लेंगे, ठीक है, जल्दी से नोट करिए। बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी स्क्रीन पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यहां पर क्वेश्चन पढ़ेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड सिक्रेटेड बाय लीव्स ऑफ नेटल दैट कॉजेस पेनफुल स्टिंग्स। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विच्छू बूटी की पत्तियों द्वारा स्रावित होता है जिससे पीड़ादायक जलन होती है। भाई हमने इसके बारे में आपको बताया था, नेटल लीव हो, है ना, नेटल लीव हो, अगर हम नेटल लीव की बात करें, नेटल लीव की बात करें, ठीक है, नेटल लीव यानी नेटल की पत्तियों की बात करें, एंट स्ट्रिंग की बात करें यानी कि चींटियों के डंक की बात करें, इनमें जो एसिड निकलता है वो होता है फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड। और इस फॉर्मिक एसिड को हम HCOOH बोलते हैं, और इसी को हम मैथेनोइक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? मैथेनोइक एसिड। साइट्रिक एसिड की बात करें तो ये ग्रेप्स में मिलेगा, सॉरी ये लेमन में मिलेगा, अंगूर में, और ये ऑरेंज में मिलेगा, संतरे में, ठीक है। टाइट्रिक एसिड की बात करें ये अंगूर में मिलेगा, अंगूर दैट इज ग्रेप्स, और ये कहाँ मिलेगा? टैमरिंड में, टैमरिंड मतलब इमली, इमली, ठीक है। एसिटिक एसिड आपको सिरका में मिलेगा, विनेगर में, और एसिटिक एसिड को मैथेनोइक एसिड कहते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर मैथेनोइक एसिड हो जाएगा, ठीक है। जो नेटल लीफ होती है, चाहे वो नेटल लीफ हो, चाहे वो लाल चींटी हो, लाल चींटी एकदम से काट लेती है, बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है, पेन होती है, तो वो इसी फॉर्मिक एसिड की वजह से होती है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, आपसे पूछा है इनमें से एक या दो, कौन से या तीनों, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर करेंगे, अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पे गायब हो जाता हूँ। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इसका मतलब अगर एक करेक्ट है तो इज लगाएंगे, अगर एक से ज्यादा करेक्ट है तो हम आर लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है, बाकी ये सब ग्रामर का खेल है। तो यहाँ पे हम आपको एक एक करके समझाते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में गिवेन है द ऑल द बेसिस आर एल्कली। देखो जो एल्कली जो बेस होते हैं ना, सबसे पहले हम बेस की बात कर लेते हैं, इनको हम बोलते हैं क्षार, बेस को हम बोलते हैं क्षार, ठीक है, हिंदी में। और ये जो बेस होते हैं इनको पहचानेंगे, इसमें OH नेगेटिव आयन की संख्या होती है, OH नेगेटिव आयन। अब फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है,
फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है। तो ये सब क्या है? बेस है, ये सब क्षार है। और वो बेस जो पानी में घुल जाते हैं, ध्यान से समझना, वो बेस जो पानी में घुल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, उनको एल्कली कहा जाता है, उनको एल्कली कहा जाता है। और हिंदी में इनको क्षारक कहते हैं, हिंदी में इनको क्षारक कहते हैं। मैंने क्या बोला? वो बेस जो पानी में घुल जाए। तो सभी बेस पानी में नहीं घुलते हैं, इसका मतलब ऑल बेस आर नॉट एल्कली। लेकिन अगर आप इसका उल्टा बोलो कि ऑल एल्कली आर बेस, ध्यान से समझना मेरी बात को। हमने क्या बोला? सबसे पहले बेस को कैसे पहचानेंगे? बेस में OH नेगेटिव आयन मिलेगा आपको। OH नेगेटिव आयन का मतलब है यहां पर जो बेस होते हैं ना, जो क्षार होते हैं, उसमें OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन मिलेगी, OH नेगेटिव आयन पाए जाएंगे। ठीक है, ये तो पहचान लिया कि बेस क्या होते हैं। अब वो बेस जो पानी में घुल जाते हैं, वो बेस, वो क्षार जो पानी में घुल जाते हैं, उनको एल्कली कहते हैं और हिंदी में क्षारक कहलाते हैं। तो अगर हम ऐसे बोलें ऑल बेस आर एल्कली तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी बेस पानी में थोड़ी ना घुलते हैं, कुछ बेस पानी में घुलते होंगे। तो अगर हम ऐसे बोलते हैं ऑल एल्कली इज ऑल आर बेस, ऑल एल्कली आर बेस, तो करेक्ट है, क्योंकि एल्कली वही होंगे जो पानी में घुल जाएंगे और एल्कली सारे के सारे बेस होंगे, होंगे कि नहीं, क्योंकि बेस से ही तो एल्कली बने हैं। तो यहां पर जो स्टेटमेंट फर्स्ट दे रखा है ऑल द बेस आर एल्कली, ये गलत स्टेटमेंट है। सभी के सभी बेस एल्कली थोड़ी ना होंगे, क्योंकि सभी बेस पानी में नहीं घुलते हैं, कुछ बेस पानी में घुलेंगे। सेकेंड स्टेटमेंट में गिवन है ऑल एल्कली डिजोल्व इन वाटर, ऑल एल्कली डिजोल्व वाटर में, है ना, एल्कली वही बेस होगा जो पानी में घुल जाएगा, तो इसका मतलब सभी एल्कली पानी में घुल जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। एल्कली आर सोपी इन टच, बिटर इन टेस्ट एंड कोरोसिव इन नेचर, बिल्कुल सही है। जितने भी बेस होते हैं, जितने भी क्षार होते हैं, इनको टच करेंगे तो साबुन जैसी फीलिंग आती है, जैसे हम साबुन को टच करते हैं उसमें फीलिंग आती है, वैसे हम इनको टच करेंगे सोपी टच आएगा, साबुन जैसी फीलिंग। और ये हाईली कोरोसिव होते हैं, कोरोसिव नेचर के होते हैं, ये चीजों को गलाने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। और ये कड़वे होते हैं, बिटर मतलब कड़वे होते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था जो एसिड होते हैं वो खट्टे होते हैं, जितने भी एसिड्स होते हैं ना, एसिड अम्ल, ये टेस्ट में खट्टे होते हैं, ठीक है, और जो बेस होते हैं वो टेस्ट में कड़वे होते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट ट्रू है, सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन, चेक कर लीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत इसलिए हो गया क्योंकि ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली, ठीक है। क्या आपको ये बात समझ आ गई? एक बार जल्दी से कमेंट करके बता देंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर हम क्लिक करें तो आंसर आ जाएगा मेरा सी ऑप्शन। हिंदी वाले स्टूडेंट्स एक बार हिंदी में देख लें, क्योंकि हिंदी में भी समझाना जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? सभी क्षारक क्षार होते हैं, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। देखो यहाँ पे हिंदी में अपोजिट है ना, बेस को हम क्या बोलते हैं? बेस को क्षारक कहते हैं, हिंदी में बेस को क्षारक कहते हैं, और जो एल्कली हैं उनको हम क्षार कहते हैं, उनको हम क्षार कहते हैं। तो ये पॉइंट याद रखना, यहाँ पे पीछे हमने अपोजिट कर दिया हिंदी इसका। जो बेस होते हैं गाइस, बेस, बेस की अगर हम बात करें तो हिंदी में इसको क्षारक कहते हैं, और जो एल्कली है हिंदी में इनको क्षार कहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, लेकिन सभी क्षार क्षारक होते हैं। ये बात समझ आ गई हिंदी में अगर हम बात करें तो। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका एकदम गलत है। सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, मतलब सभी क्षार क्षारक होते हैं, ये सही है। और सभी क्षार जल में घुल जाते हैं, मतलब सभी एल्कली वाटर में घुल जाते हैं, तो ये सही स्टेटमेंट है। क्षार स्पर्श में साबुनी, स्वाद में कड़वे और संचारक प्रकृति के होते हैं, बिल्कुल सही है। तो आंसर यहाँ पर आ जाएगा भाई सी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नोट कर लीजिए, एक बार जल्दी से नोट कर लेंगे, जल्दी से नोट करेंगे, ठीक है। चले, आई होप नोट कर लिया होगा। वापस आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट गिवन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज प्रेजेंट इन ए गार्ड ट्यूब, गार्ड ट्यूब, ड्राइंग ट्यूब दैट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक गैस, ठीक है। किसी रक्षक नली में या शुष्कन नली हम बोल देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य मौजूद होता है जिसका उपयोग हाइड्रोक्लोरिक गैस बनाने में किया जाता है? तो याद रखना, इसे हम बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड। कौन सी गैस? कैल्शियम, सॉरी, कौन सा कंपाउंड यूज होता है, कौन सा द्रव यानी कि कौन सा मटेरियल यूज होता है? तो याद रखना कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2, CaCl2।
क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए कौन सा मटेरियल यूज होता है, CaCl2। चलिए एक क्वेश्चन और देखेंगे यहाँ पे। अगर हम यहाँ पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के, फर्टिलाइजर आर यूज टू ऑब्टेन हायर यील्ड ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िएगा। फर्टिलाइजर मतलब उर्वरक, फर्टिलाइजर यूज करते हैं हम जिससे कि ज्यादा से ज्यादा फसल उगाई जा सके, उतने ही एरिया में ज्यादा से ज्यादा हमें फसल मिले, है ना। जैसे आपने 2 बीघे में गेहूं उगाए तो आपको ज्यादा से ज्यादा गेहूं 2 बीघे में निकल आए, उसको हम बोलते हैं कि हायर यील्ड्स ऑफ क्रॉप मिल रही है। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है, क्या बोला है, फर्टिलाइजर आर यूज टू ऑब्टेन हायर यील्ड्स ऑफ क्रॉप, हाउएवर ऑल न्यूट्रिएंट्स आर यूजुअली नॉट अवेलेबल इन फर्टिलाइजर। मतलब जो फर्टिलाइजर होते हैं उसमें सभी न्यूट्रिएंट नहीं होते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स मिसिंग होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज यूजुअली नॉट अवेलेबल इन फर्टिलाइजर, तो यहाँ पे हमेशा याद रखना फर्स्ट नंबर पे गिवन है, सीधे सीधे दिख रहा है। यानी इन्होंने पूछा है कि जो फर्टिलाइजर होते हैं ना, फर्टिलाइजर की अगर हम बात करें, जिनको हम उर्वरक कहते हैं, ये मिट्टी में फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं, और ये जो फर्टिलाइजर है ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को प्रोवाइड कराते हैं मिट्टी में, है ना। अगर किसी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो गई या फास्फोरस की कमी हो गई या पोटेशियम की कमी हो गई तो फर्टिलाइजर का यूज करके हम उस कमी को पूरा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेशियम यूज होता है, नाइट्रोजन होता है फर्टिलाइजर में, फास्फोरस होता है, लेकिन लोहा नहीं होता है, यही आंसर हो जाएगा, फर्टिलाइजर में लोहा नहीं पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे इसी क्वेश्चन को देखो कितना बड़ा बनाकर दे दिया इन्होंने, पहले कहानी बताई, फर्टिलाइजर आर यूज टू ऑब्टेन हायर यील्ड्स ऑफ क्रॉप, ये तो हमें पता है कि फर्टिलाइजर का यूज हम किस लिए करते हैं, जिससे कि हमें फसल ज्यादा से ज्यादा मिले, है ना, ज्यादा से ज्यादा हम उसको हार्वेस्ट कर पाए। However, all nutrients are usually not available in fertilizer. ये लाइन भी बेकार दे रखी है, मतलब इतनी जो चीज दे रखी है ना, ये क्वेश्चन को बड़ा बनाने के लिए दे रखा है, इतनी जो यहाँ पे लैंग्वेज गिवेन है यहाँ से यहाँ तक, ये सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को बड़ा बनाने के लिए दे दी। यानी इतनी जो चीज उन्होंने बोली है वो आपको ऑलरेडी पता है, मतलब जो फर्टिलाइजर होते हैं वो किस लिए यूज करते हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा फसल नहीं मिले, ज्यादा से ज्यादा हम फसल को काट सके, मतलब उतने ही जमीन में ज्यादा से ज्यादा गेहूं उगे, तो वो होती है ये। और दूसरी पॉइंट इन्होंने क्या बोला कि सभी न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर में नहीं पाए जाते हैं, कुछ अवेलेबल होते हैं कुछ अवेलेबल नहीं होते हैं, तो ये इतना इन्होंने क्वेश्चन को बड़ा बनाने के लिए बोला। अब जो मेन क्वेश्चन है वो सिर्फ इतना पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज यूजुअली नॉट अवेलेबल इन फर्टिलाइजर, मेन क्वेश्चन बस इतना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज यूजुअली नॉट अवेलेबल इन फर्टिलाइजर, मतलब इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट है जो फर्टिलाइजर में अवेलेबल नहीं है, तो आपका आयरन हो जाएगा। देखा क्वेश्चन को कैसे घुमाते हैं, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करते हैं आपकी, जितने भी यूपीएससी एनडीए की बात करें, यूपीएससी सीडीएस की बात करें, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करते हैं कि आप इतना बड़ा क्वेश्चन देख के डर तो नहीं जाओगे, क्या ये इतना बड़ा क्वेश्चन बना के दे दिया, जबकि ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, तो आप इस क्वेश्चन को गलत तो नहीं कर दोगे, ये चेक करते हैं वो लोग, ठीक है। तो याद रखना कि ये इतना जो गिवन है ना यहां से यहां तक, ये सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज को बड़ा करने के लिए गिवन है, क्योंकि ये चीज हमें ऑलरेडी पता है। क्वेश्चन सिर्फ इतना था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज यूजुअली नॉट अवेलेबल इन फर्टिलाइजर, तो आंसर आ जाएगा आयरन, और आयरन का सिंबल होता है Fe, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 626, ठीक है। अब यहीं पे एक क्वेश्चन और हम आपको बता देते हैं, क्लोरोफिल आपने सुना होगा, सॉरी हीमोग्लोबिन, अगर हम ब्लड की बात करें, किसकी बात करें, ब्लड की बात करें, अपने रक्त की बात करें, उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, उसमें लोहा होता है, क्या होता है, लोहा होता है, ठीक है, याद रखना। चलिए हिंदी वाले बच्चे यहाँ पे हिंदी में देख लें एक बार, उर्वरकों का उपयोग फसलों की अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तथापि उर्वरकों में सभी पोषक तत्व सामान्यता उपलब्ध नहीं होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व सामान्यता उर्वरकों में उपलब्ध नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा लौह, मतलब लोहा, क्लियर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वी हीट लेड नाइट्रेट इन ए बॉइलिंग ट्यूब वी ऑब्जर्व द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्राउन गैस, ये वाली रिएक्शन आपकी 3 से 4 बार एनडीए में पूछी गई है, ये वाली जो रिएक्शन है ये अलग अलग लैंग्वेज में 3 से 4 बार एनडीए में पूछी गई है, और ये सीडीएस में भी पूछी गई है आपसे। यहाँ पे आपको ये लेड नाइट्रेट गिवेन है, क्या गिवेन है, PbNO3 का होल ट्वाइस, इसे बोलते हैं लेड नाइट्रेट। जब इसको हम गर्म करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है कई सारे कंपाउंड्स में, उसमें से एक मिलती है आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड,
ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इसका जो धुआं होता है वो ब्राउन कलर का होता है। कैसा होता है? ब्राउन कलर का होता है। ये बात समझ आ रही है? लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म करते हैं तो आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का धुआं है वो ब्राउन कलर का निकलता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला, व्हेन वी हीट लेड नाइट्रेट, जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं इन ए बॉइलिंग ट्यूब, यानी बॉइलिंग ट्यूब में जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं, वी ऑब्जर्व द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम, तो हमने देखा कि वहां भूरे रंग का धुआं निकलता है। तो वो जो भूरे रंग का धुआं है वो है क्या? वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन को क्लिक करेंगे राइट आंसर। हिंदी वाले बच्चे हिंदी में एक बार देख ले, हिंदी वाले स्टूडेंट्स हिंदी में देख ले, किसी बॉइलिंग ट्यूब में जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो हमें भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होते दिखाई देता है। यह भूरी गैस निम्नलिखित में से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होती है। क्लियर है ना? चले एक क्वेश्चन और देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस रिजल्ट इन द ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर आर्टिकल ऑन रिएक्टिंग विद देम। ये क्वेश्चन भी आपके 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपके एनडीए एग्जाम में, सीडीएस एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट होके पूछा जाता है। देखो लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, बड़ी कर देते हैं, कभी सिंपल छोटी कर देते हैं। याद रखना जो सिल्वर के जितने भी ऑर्नामेंट होते हैं, सिल्वर के है ना, सिल्वर की अगर हम बात करें, जितने भी ऑर्नामेंट है सिल्वर के, जिस चांदी जिसका सिंबल है Ag 47, इसका एटॉमिक नंबर, इन पर लेयर चढ़ जाती है सिल्वर सल्फाइड की, है ना, किसकी लेयर? सिल्वर सल्फाइड, यानी सिल्वर सल्फाइड की लेयर चढ़ जाती है जो ब्लैक कलर का कर देती है। हमने आपको इसको कल भी बताया था, कल के सेट में भी ये वाला क्वेश्चन था, लेकिन वो अलग लैंग्वेज में पूछा गया था। यहाँ पे हमेशा याद रखना कि जो सिल्वर है, जो चांदी है, उसको अगर आपने हवा में छोड़ दिया तो हवा में जो सल्फर होती है उससे रिएक्ट करके ये सिल्वर सल्फाइड की लेयर बना देती है जो ब्लैक कलर की हो जाती है, जिसकी वजह से चांदी की जितनी भी चीजें हैं वो काली पड़ जाती हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा सल्फर। क्या आ जाएगा? सल्फर। क्लियर? आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज कैप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर। बताइए आपने यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल, इनमें से कौन सा वो मेटल है जिसे मिट्टी के तेल में रखते हैं जिससे कि आग ना लगे, बताइए। और ये आपको दिख भी रहा है, ये आपको दिख भी रहा है। निम्नलिखित में से किस धातु को मिट्टी तेल में डुबोकर रखा जाता है ताकि वह सुरक्षित रहे और उसमें आकस्मिक रूप से आग लगने से रोका जा सके, ठीक है? तो हम यहां पर आपको समझाते हैं। सोडियम धातु की बात करें और पोटेशियम धातु की बात करें, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती हैं। इनको अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रख दिया, मतलब हवा में छोड़ दिया ऐसे ही, या फिर इनको आपने वाटर पानी में रख दिया, तो ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती हैं और साथ साथ में बहुत सारी हीट निकलती है, वही हीट हाइड्रोजन गैस में आग लगा देती है, तो कुल मिला के ये आग पकड़ लेती हैं, ठीक है, इसीलिए इसको मिट्टी के तेल में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? केरोसिन ऑयल में। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा क्या? आंसर आ जाएगा सोडियम, सोडियम आंसर आ जाएगा। पोटेशियम होता तो पोटेशियम आंसर कर देते, सोडियम और पोटेशियम दोनों के लिए है ये, ठीक है, ये बात समझ आ गई। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ए सॉल्यूशन कंटेन 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। मान लीजिए हमारे पास ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का मतलब समझ रहे हो, मान लो पानी है ये और उसमें नमक मिला हुआ है, ठीक है, ये जो पानी था इसमें पानी में नमक मिला हुआ है इस तरीके से, तो ये घुल गया, नमक घुल गया है, ठीक है, ये दिखाने के लिए हमने ऐसे बना दिया, लेकिन ये नमक पानी में घुला हुआ है, तो ये है 20 ग्राम। नमक कितना है? 20 ग्राम है। इसे बोलते हैं सॉल्यूट, इसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूट, विलायक। और अगर हम यहाँ पे बात करें, सॉरी, सॉल्यूट यानी बिले बोलते हैं इसको। और ये जो आपको वाटर यहाँ पर गिवेन है, यानी ये जो गिवेन है, क्या गिवेन है? सॉल्वेंट, इसको बोलते हैं सॉल्वेंट, 180 ग्राम। तो ये जो गिवेन है ये है 180 ग्राम, 180 ग्राम सॉल्वेंट है। तो ओवरऑल टोटल सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा? सॉल्यूशन का जो मास है वो हो जाएगा सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास, यानी 180 ग्राम प्लस 20 ग्राम, तो ये हो जाएगा टोटल 200 ग्राम, ठीक है। मैंने क्या बोला? 180 ग्राम इन्होंने कहा सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट का मतलब होता है विलायक, जो अपने अंदर चीजों को घोलता है, ठीक है, और उसमें 20 ग्राम बिले घुला हुआ है। बिले का मतलब हो गया यहाँ पर, जिसे हम सॉल्यूट बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। सॉल्यूट कम मात्रा में होता है, तो यहाँ पे 20 ग्राम सॉल्यूट है जो 180 ग्राम सॉल्वेंट में घुला हुआ है। तो ओवरऑल सॉल्यूशन कितना हो गया? 200 ग्राम का। इन्होंने मास बाय मास परसेंटेज पूछी है, तो मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट
मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, और ये परसेंटेज में निकल आएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 20, सॉल्यूशन कितना है 200, इनटू का 100 कैंसिल, मतलब आ जाएगा 10%। क्या आ जाएगा 10%। क्लियर हो गया, एक बार जल्दी से नोट कर लेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। मास बाय मास परसेंटेज क्या होती है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूशन और इनटू में 100, ठीक है। तो यहाँ पे 10% आपका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला था, ए सॉल्यूशन कंटेन 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 180 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट यहाँ पे जैसे कि हमने एग्जांपल, देखो एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, हमारे पास ये क्या है, बीकर है, ठीक है, और इस बीकर में मान लो ये पानी है, ये पानी जो है ना इसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट, इसको कहा जाता है सॉल्वेंट, जो अपने अंदर घोल लेता है। तो यहाँ पे हमने पानी मान लिया कि सॉल्वेंट है, और ये कितना गिवन है 180 ग्राम। इतनी बात समझ आ गई। अब इसमें सॉल्यूट घुला हुआ है, सॉल्यूट का मतलब यहाँ पे मान लो कुछ चीनी या फिर आप नमक मान लीजिए, जो चीनी या नमक है ना ये है 20 ग्राम, और ये है सॉल्यूट, इसको हम बोलते हैं सॉल्यूट, ठीक है। तो ओवरऑल टोटल सॉल्यूशन का मास कितना हो गया, टोटल जो सॉल्यूशन है इसका मास हो जाएगा सॉल्वेंट का मास यानी पानी का मास प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूट का मास यानी कि चीनी या फिर नमक का मास जो भी आपने डाला होगा, तो ये हो जाएगा 200 ग्राम। ये हो गया टोटल सॉल्यूशन का मास। अब जो मास वाई मास परसेंटेज पूछते हैं ना, मास वाई मास परसेंटेज, ये होती है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल सॉल्यूशन का मास यानी मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू में क्या कर देंगे 100, इतने परसेंट मिलेगी आपको। तो यहाँ पे 20 कर देंगे डिवाइडेड बाई 200 कर देंगे, इनटू में 100 कर देंगे, तो आपको 10% आंसर मिल जाएगा। ये बात समझ आ रही है अच्छे से, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे याद रखना, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मास बाई मास परसेंटेज। तो मास बाई मास परसेंटेज आपका आंसर कितना आ जाएगा, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी होगी 10%, ठीक है, नोट कर लिया। चलिए इसको हम क्लिक कर देंगे, करेक्ट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, और हिंदी वाले स्टूडेंट्स एक बार हिंदी में पढ़ सकते हैं। किसी विलयन के 180 ग्राम विलायक में 20 ग्राम विलेय घुला है, यदि विलायक जल हो तो द्रव्यमान बटा द्रव्यमान प्रतिशत के पदों में विलयन की सांद्रता कितनी होगी, 10% होगी, ठीक है, सांद्रता। चलिए एक क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉन मेटल बट लस्टरस। भाई बहुत ही शानदार क्वेश्चन, वो ज्यादातर जो नॉन मेटल होते हैं वो चमकीले नहीं होते हैं, ज्यादातर नॉन मेटल लस्टरस नहीं होते। लस्टरस का मतलब होता है चमकीले, लस्टरस का मतलब यहाँ पर क्या है, चमकीले, चमकने वाले। अगर हम मेटल की बात करें गाइस, मेटल जो धातुएं होती हैं उनको जरा सा स्ट्रेच कर दो, स्क्रैच कर दो, तो वो चमकने लग जाती हैं, नई निकल आती हैं, है ना। लोहे की कोई भी चीज हो पुरानी से पुरानी, उसको आप खरोच के यानी उसको स्क्रैच करके नई निकाल सकते हो। तो जो मेटल्स होती है ना ये चमकीली होती हैं, लस्टरस होती हैं, जितनी भी मेटल्स हैं ये सब लस्टरस होती हैं, ठीक है। और जो नॉन मेटल है वो नॉन लस्टरस होती हैं। लकड़ी, लकड़ी को आप चाहे जितना कुछ भी करो चमकीली नहीं होगी, जैसे कि चमक एक अलग चीज है, नई निकलना अलग चीज। चमक का मतलब जिसमें रोशनी यानी जो लाइट है वो जो रिफ्लेक्ट हो रही हो, है ना, तभी तो चमकेगी वो। तो यहाँ पे जो लस्टरस होती हैं, अगर हम नॉन मेटल की बात करें, वो ज्यादातर लस्टरस नहीं होती हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है, अपवाद, वो है आयोडीन। जो आयोडीन होती है ना ये भैया चमकती है, ये क्या होती है, चमकती है, आयोडीन चमकीली होती है, जबकि ये नॉन मेटल है। ये नॉन मेटल है फिर भी चमकती है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नॉन मेटल होते हुए भी चमकती है, ये लस्टरस होती है ये, ठीक है, कौन, आयोडीन। और ये सब्लिमेबल भी है, ये डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है आयोडीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज बोथ मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है इनमें से किस कौन से मेटल में दोनों प्रॉपर्टी होती हैं, मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी, बताइए। सोडियम के बिना, और यहाँ पर लोहा मतलब गोल्ड के बिना जिसको हम सोना कहते हैं, सीजियम गिवन है, और मरकरी यानी पारा गिवन है। तो आपसे पूछा इनमें से कौन मैलेबल और डक्टाइल है। तो सबसे पहले इनका मतलब समझते हैं, डक्टाइल का मतलब क्या होता है, डक्टाइल का मतलब होता है कि वो धातुएं या फिर वो मटेरियल जिनको हम खींच खींच कर पतले से पतले तार में कन्वर्ट कर लें। तो क्या हम पत्थर को खींच के तार बना सकते हैं, नहीं, पत्थर को आपने खींचा टूट जाएगा, बिखर जाएगा।
रबड़ को खींच के तार बना सकते हैं? नहीं, टूट जाएगी। समझ रहे मेरी बात? प्लास्टिक को खींच कर तार बना सकते हैं? नहीं, टूट जाएगी। लेकिन अगर हम लोहे को खींचते चले जाएं, खींचते चले जाएं, चांदी को खींचते चले जाएं, खींचते चले जाएं, और सोने को खींचते चले जाएं, खींचते चले जाएं, पतला से पतला तार बन जाएगा, टूटेगा नहीं। तो यहाँ पे डक्टाइल क्या होते हैं? जो तार में कन्वर्ट हो जाएं इजिली, और जो मेटल्स होती है ना वो इजिली वायर में कन्वर्ट हो जाती हैं। लेकिन सबसे अच्छा डक्टाइल कौन है? जो सबसे ज्यादा पतला से पतला तार बन जाए वो होता है सोना। वो क्या होता है? सोना। और मैलिएबल का मतलब क्या है? मैलिएबल का मतलब है पतली से पतली चादर में कन्वर्ट कर दो। मतलब अगर आप पीट रहे हो किसी मटेरियल को, पीट रहे हो हथौड़े से, तो वो पतली से पतली चादर में कन्वर्ट हो जाए तो वो आपकी मैलिएबल कहलाएगी। अब आपने पत्थर को पीटा, वो चादर में कन्वर्ट नहीं, बिखर जाएगा टूट के। तो यहाँ पे जो सोना है ना, ये सोना, सोना बहुत ज्यादा मैलिएबल भी होता है, मतलब सबसे ज्यादा मोस्ट मैलिएबल है, मोस्ट डक्टाइल है। ठीक है, सोने से हम पतली से पतली चादर बना सकते हैं, सोने से हम पतला से पतला तार बना सकते हैं। इवन 1 ग्राम सोने से हम 2 किलोमीटर लंबा तक तार बना सकते हैं, सिर्फ 1 ग्राम तार से। ठीक है, चलिए, सोने के 1 ग्राम तार से 2 किलोमीटर तक का लंबा वायर बनाया जा सकता है, इतना पतला तार होगा जाके। क्वेश्चन दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में इनमें से किसको यूज करते हैं? सोडियम क्लोराइड को, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, या एसिटिक एसिड को? बताइए क्या आंसर आएगा। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर का मतलब सब समझते हो, अग्निशामक यंत्र। अग्निशामक यंत्र का मतलब होता है आग बुझाने वाले यंत्र। उसमें हम एक तो सॉलिड CO2 भी यूज करते हैं, अलग अलग टाइप की जो होती है, सॉलिड CO2 जिसे हम शुष्क बर्फ कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं, ठीक, आग बुझाने में इसका यूज भी करते हैं। लेकिन ये है आपका सोडा, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में बेकिंग सोडा यूज करते हैं, NaHCO3, इसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर सिंपल बी ऑप्शन हो जाएगा, क्लिक कर देंगे, करेक्ट आंसर आ जाएगा बी। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोडियम कंपाउंड इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। ठीक है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम सल्फेट? बताइए क्या आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आंसर आएगा एक बार जल्दी से बताएंगे। कठोर जल को मृदु बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सोडियम यौगिक का प्रयोग किया जाता है? कठोर जल को मृदु बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सोडियम यौगिक का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे जितने भी दे रखे हैं सब सोडियम के यौगिक है, सब सोडियम के कंपाउंड है, सब सोडियम के कंपाउंड है। तो इनमें से पूछा है किस सोडियम के यौगिक का यूज करते हैं कठोर जल को मृदु जल बनाने में। तो सबसे पहले यहाँ पे कठोर जल होता क्या है, हार्ड वाटर होता क्या है, हार्ड वाटर क्या होता है, एक होता है सॉफ्ट वाटर, एक होता है हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर में आप साबुन को रगड़ोगे, खूब झाग निकलेगा, उससे कपड़े आसानी साफ हो जाएंगे, हम लोग नहाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको पी भी लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं। हार्ड वाटर में आप साबुन कितना भी रगड़ना झाग नहीं देगा, साबुन बर्बाद होता रहेगा, बर्बाद होता रहेगा, और वो इकट्ठा हो जाएगा नीचे सफेद सफेद प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, तो वो होता है हार्ड वाटर, साबुन बेस्ट हो जाएगा, ठीक है, और उससे कपड़े साफ नहीं होंगे। तो यहाँ पर याद रखना जो हार्डनेस है पानी की वो फिर दो टाइप की होती है, एक होती है टेम्परेरी हार्डनेस और एक होती है परमानेंट हार्डनेस। तो अगर हम हार्डनेस की बात करें पानी की, उसमें कैल्शियम के और मैग्नीशियम के आयन पाए जाते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, यानी कैल्शियम के सल्फेट के रूप में कैल्शियम के आयन मिलेंगे, मैग्नीशियम के सल्फेट के रूप में मैग्नीशियम के आयन मिलेंगे, कैल्शियम के क्लोराइड के रूप में और मैग्नीशियम के क्लोराइड के रूप में आयन मिलेंगे, कैल्शियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी वाई कार्बोनेट के रूप में, या मैग्नीशियम के वाई कार्बोनेट के रूप में आपको कंपाउंड मिलेंगे। ये जितने भी हमने यहाँ पर कंपाउंड बनाए हैं ये सब इनकी वजह से जो पानी है वो हार्ड हो जाता है, और इनसे ट्रीटमेंट के लिए हम सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं, वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। ये बात समझ आ रही है? वॉशिंग सोडा परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को भी रिमूव कर देता है। ठीक है, तो ये सिंपल पॉइंट याद रखना, सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेचुरली अकरिंग एसिड इज फाउंड इन अबंडेंस इन टोमेटो। टमाटर में सबसे ज्यादा कौन सा एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? 2 से 3 बार क्वेश्चन आ चुका है एनडीए में, एनडीए में 2 से 3 बार, और सीडीएस में भी आपका कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला। ये जो टमाटर आपको दिख रहे हैं ना, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, ये क्या है? टमाटर, लाल लाल। इन टमाटर में खट्टापन होता है किसकी वजह से? ऑक्जैलिक एसिड की वजह से। ये जो ऑक्जैलिक एसिड है इसकी वजह से, सी ऑप्शन। ठीक है,
तो याद रखना कि टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। और ऑक्जेलिक एसिड का एक काम और है, ये जो सफेद शर्ट होती है उसमें अगर रस्टिंग लग जाए ना, जंग लग जाए सफेद शर्ट में, आप कहीं लोहे के पास खड़े हो गए तो सफेद शर्ट में रस्ट का दाग लग गया, ठीक है, उसको साफ कर देता ऑक्जेलिक एसिड। क्लियर हो गया? तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये हमारे आज के क्वेश्चंस थे शानदार लेवल के। और ये टाइम टेबल गाइस गिवन है, सुबह 7 बजे द हिंदू एडिटोरियल की क्लास चलती है, 11 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास चलती है निकिता मैम के द्वारा, वोकैब लैडर की सुबह 8 बजे क्लास चलती है जिसमें बहुत सारे वोकैब करवाते हैं अमित सर, और इंग्लिश की क्लास चलती है 12 बजे, ठीक है, अमित सर के द्वारा। और फिजिक्स की अगर हम बात करें तो 1 बजे चलती है, केमिस्ट्री की आपकी रात को 9 बजे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं, 3 बजे आपकी मैथ की क्लास चल रही है, ठीक है। तो ये आपका टाइम टेबल है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, अगर आप सभी क्लासेस की रिविजन करना चाहते हैं, या फिर अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर आपको मान लीजिए किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको कंटेंट नहीं मिल रहा है रिविजन के लिए, तो आप एमवाइब एप्लीकेशन पे आइए, वहां पे आपको बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है 3D एनिमेशन के साथ, बहुत सारी विजुलाइजेशन के साथ, जिससे कि आप इजिली किसी भी कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं थ्योरी को, और क्वेश्चंस आपके वहां पे बहुत सारे हैं जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे एमवाइब अचीव डिफेंस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक जरूर करना सेशन को, और इसको सभी जगह शेयर कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, कीप एमवाइबिंग, वी बिलीव इन यू।